गाइस एक ऑर्डिनरी एंजल नाम से एक फिल्म हिंदी डब में आई है जिसकी लेंथ वही 2 घंटे की है। ये एक ट्रू इवेंट पर आधारित फिल्म है, तो सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। तो चलिए जानते हैं कि ये फिल्म कैसी है, आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, तो वीडियो को एंड तक देखिए। कहानी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं जिससे आपको आइडिया हो जाए कि आखिरकार कहानी आना क्या चाहती है। तो अगर इसमें एक सिंगल पिता को दिखाया गया है जिसकी 5 साल की जो बेटी है उसका जो लीवर है वह खराब होता है, मतलब उसका जल्द से जल्द इलाज करवाना होगा, पर जो पैसा दवाई के लिए जो पैसा लगता है, जो इलाज लगता है, उसके कारण जो उसका पिता है वह एक तरह से मतलब ना कर्ज में डूब जाता है एंड बहुत सारा पैसा की जरूरत पड़ती है। यदि आप पैसा का जुगाड़ नहीं कर पाइएगा तो दवाई पानी भी नहीं कर पाइएगा। तभी एक औरत की एंट्री होती है, और एक बात बता देना चाहता हूँ, वह औरत भी अमीर नहीं है, पर वह बहुत तरह का आइडिया लेकर आती है उसके पिता के पास कि किस किस तरह से पैसे कमाया जा सकता है, किस किस तरह से इलाज किया जा सकता है। तो जो वह औरत है मतलब उसका जो पिता है उस औरत के साथ मिलकर अपनी बेटी का इलाज करा पाता है या नहीं करा पाता है, और उसकी बेटी की जान बच पाती है या नहीं बच पाती है, यही सब जानने के लिए तो आपको ये फिल्म को देखना पड़ता है। और वह औरत क्यों मदद कर रही है, उसका मकसद क्या है, यह भी जानने के लिए आपको यह फिल्म को देखना पड़ता है। तो गाइस ये सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, और फिल्म इतना मस्त है आपका दिल छू लेगा। मतलब जिस तरह से इसमें बेटी और पिता का बॉन्डिंग को दिखाया गया है, जिस तरह से मतलब ना इंसानियत को दिखाया गया है, वह देखने में बहुत ही मस्त लगता है। पर एक बात बोलूंगा, फिल्म स्लो है। यदि आपको स्लो पेस मूवी देखना नहीं पसंद है तब भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस फिल्म को देखिए, आपको बहुत ही मजा आएगा। और फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है तो फिल्म देखने में और भी ज्यादा मजा आता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि ये फिल्म देखिए, और जिस तरह से इसे डायरेक्ट किया गया है, इस फिल्म का स्क्रीन प्ले है, और जिस तरह से सभी ने एक्टिंग की है, एक नंबर चुम्मा एक्टिंग की है, देखकर मजा आ जाएगा। और उसके पिता को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और क्या क्या करना पड़ता है, जिस तरह से उसने अपना रोल को निभाया है वह काबिले तारीफ है, देखकर मजा आ जाएगा। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो जी हाँ, इसका प्रोडक्शन क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। एक जानने की इच्छा होती है कि उसकी बेटी बच पाती है या नहीं बच पाती है, क्योंकि एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, इसलिए एक जानने की इच्छा होती है। हिंदी डबिंग की बात करो तो जी हाँ, इसकी हिंदी डबिंग बहुत ही बढ़िया की गई है। तो गाइस इस फिल्म को लेकर मैं फाइनल वर्डिक्ट है, जी हाँ, यदि आपको थोड़ा स्लो पेस मूवी देखना पसंद है, क्योंकि ये फिल्म थोड़ा सा स्लो पेस है, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को देखिए, आपको बहुत ही मजा आएगा, एकदम अंदर से ना अच्छा महसूस करेंगे, तो फिल्म बहुत ही अच्छा है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। और हाँ, चाहे तो आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, कुछ भी गंदा सीन नहीं है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।